तो मेरी बात मान लीजिए, आपको स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलेगा। मैं लिखा रहा हूँ, लिख लो 50 ग्राम काली जीरी, रिकॉर्ड कर लो, 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम मेथी के दाने, इनको अलग अलग भूनिए, अलग अलग एक संग भूनोगे तो अजवाइन कमजोर है वो जल्दी राख हो जाएगी और मेथी कठोर है वो देर में भुनेगी, तब तक ये खत्म हो जाएगा। काली जीरी, ये जीरा नहीं है, काली जीरी आती है, ये 50 ग्राम, ये मात्रा बता रहा हूँ, और 100 ग्राम 50 ग्राम काली जीरी, 100 ग्राम अजवाइन, 250 ग्राम मेथी, इसको पहले सुखाइए छाए में, धूप में नहीं, कोई भी औषधि देसी दवाई है उसको धूप में नहीं सुखाया जाता। ये नहीं कि सीधे बाजार से लाए और आपने वो बना लिया है, नहीं, पहले उसको छाए में सुखाइए और सुखाने के बाद इसको अलग अलग भूनिए, जब ये भून जाए तब इसको मिला लीजिए और फिर उसको मिक्सी में पाउडर बना लीजिए और कांच की बोतल में इसको, कांच की बोतल में इसको रख लीजिए और सुबह और शाम खाली पेट एक एक चम्मच मुख में डाल के फंकी लगाइए, फंकी लगा के ऊपर से गर्म पानी पीजिए सुबह भी और रात को सोते समय। सुबह इसको लेने के बाद एक घंटे तक कुछ नहीं लेना है और रात्रि को सोते समय इसको लेने के बाद फिर सो ही जाना है, कुछ लेना ही नहीं है। मीठा छोड़ना पड़ेगा, आलू चावल छोड़ना पड़ेगा, हरी मटर छोड़नी पड़ेगी, हरी मटर में बहुत डायबिटीज है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा और आधा आधा घंटा सुबह शाम आपको वॉकिंग करनी पड़ेगी। जिंदा चाहते हो तो कर लो भैया, ये कोरोना में सबसे ज्यादा मौत उनकी हुई है जिनको भयंकर बहुत भारी डायबिटीज थी। डायबिटीज अंदर से ऐसे गलाती है जैसे घुन लकड़ी को खत्म कर देता है। इसमें बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत है ही नहीं, इसको आप चुनौती दे देंगे, ये जड़ से उखड़ करके भाग जाएगी, आपके आस पास भी नहीं रहेगी। ये नुस्खा है, मैंने बहुतों के ऊपर यूज किया है और लोगों को 100% इसका फायदा मिला है। और कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रकम लग रही है, बस थोड़ा बनाना है। तो मैं अपनी बहन माताओं को कहूँगा कि आपके सास ससुर को डायबिटीज है, परिवार में किसी को है तो ये आप बनाकर उनको तैयार कर दीजिए और उन्हें देना शुरू कर दीजिए, फायदा मिलेगा। उनका मीठा कम कर दीजिए, गुलाब जामुन खाने की जरूरत है तो गुड़ की बना लीजिए, गुड़ डायबिटीज नहीं बढ़ाता, पुराना गुड़ हो तो वो आपको फायदा करेगा। आलू में बहुत है डायबिटीज, बहुत ज़्यादा है। हाँ, आलू में एक गुण है, आलू खाने से बॉडी में दर्द नहीं होता, ये इसकी गुणवत्ता है, हड्डियों में कहीं दर्द नहीं होगा, ये कैल्शियम की पूर्ति कर देता है, ये इसका गुण है। लेकिन आजकल वो खाद का आलू आ रहा है, दुनिया भर के केमिकल किसान लोग डाल देते हैं तो वो भी बड़ा दिक्कत दे रहा है, परेशानी है। तो घुटना बुटनों के दर्द के लिए तो इसको बड़ा वरदान माना गया। अब मैं तो कथा में आगे के लिए बढ़ूं क्योंकि आज की यात्रा बहुत लंबी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान।